नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में उन खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी चमक बिखेर रहे हैं जिनमें पहले कभी देश को मेडल हासिल नहीं हुआ था। भारत के 23 वर्षीय युवा एथलीट मुरली श्रीशंकर ने गुरुवार को पुरुषों की लंबी कूद यानी कि हाई जंप स्पर्धा में 8.8 मीटर लंबी छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए लंबी कूद की स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने 5वें प्रयास में 8.8 मीटर लंबी छलांग लगाई थी। मूल रूप से केरल के रहने वाले मुरली श्रीशंकर का जन्म 27 मार्च 1999 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। उनके परिवार में खेलों से जुड़ाव शुरू से ही रहा है, उनके खून में ही खेल बहता है। पिता और माँ दोनों ही पूर्व एथलीट हैं। पिता भारत के लिए दक्षिण एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत चुके हैं। उन्होंने ही मुरली को प्रशिक्षण भी दिया है और वही उनके कोच भी हैं। मुरली की मां ने साल 1992 में एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता था। उनकी बहन श्री पार्वती भी हेप्लाथॉन की खिलाड़ी हैं। जब मुरली 4 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने जाते थे। उनके पिता ने उनके अंदर एक तेज धावक बनने के लक्षण देखे जिसके बाद उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। अंडर 10 चैंपियनशिप में वो 50 मीटर और 100 मीटर की स्पर्धा के स्टेट चैंपियन बन गए, लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने दौड़ की जगह ट्रिपल जंप में करियर बनाने का फैसला किया। मुरली श्रीशंकर हाल ही में अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। उन्होंने इस चैंपियनशिप में 7.96 मीटर दूरी तक की छलांग लगाई थी। टोक्यो ओलंपिक का मुरली ने पटियाला में आयोजित इवेंट में 8.26 मीटर लंबी छलांग लगाकर टिकट हासिल किया था, लेकिन इस प्रदर्शन को वो ओलंपिक्स में दोहरा पाने में असफल रहे और 7.69 मीटर की छलांग लगाकर फाइनल में जगह बना पाने से चूक गए थे। मुरली के नाम हाई जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसी साल उन्होंने 8.36 मीटर की दूरी तक छलांग लगाकर अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।